क्या होता है आप देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ने यह कहा कि खुदा है ही नहीं, और उसके लोगों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, सब किया। अब उसकी पोलित ब्यूरो ने यह फैसला किया है कि नहीं साहब, अगर कोई जाती जिंदगी में मानता है खुदा को तो हमको ऑब्जेक्शन नहीं। तो पहले के लोगों की कुर्बानी का क्या है, पहले जो त्याग और बलिदान दिया। इस्लाम में ऐसा है कि जो व्यक्ति पहले दिन शहीद हुआ इस्लाम का, आज इस्लाम उसी पर है। आप जो त्याग और बलिदान और काम करेंगे ये कयामत तक सुरक्षित रहेगा, उसको कोई ठेस पहुंचने वाली नहीं। कि अल्लाह ने ये जो जीवन दिया है तो ऐसा नहीं कि चॉकलेट गोली है कि आपको देकर छीन लिया, बल्कि अब ये जीवन खत्म होने ही वाला नहीं है आपका, आप हमेशा जिंदा रहने वाले। सिर्फ इतना है कि आपको मौत आएगी, वो ट्रांसफर है, वो आपका जो है ना एक जगह से बदली है एक जगह से दूसरी जगह, औरंगाबाद में थे मुमरा में आ गए, इतना ही फर्क है। मृत्यु एक ट्रांसफर है, खत्म नहीं होती। और जो कयामत के बाद, प्रलय के बाद इंसान को जिंदगी मिलेगी, उसमें हमेशा की जिंदगी है, खालिदीन फीहा अबदा, अनंतकालीन जीवन। अगर वो ये छोटे से जीवन में अच्छे काम करेगा तो हमेशा जन्नत में रहेगा, जवान रहेगा, हर चीज उसको मिलती रहेगी। और अगर वो यहां गुनाह करेगा, खुदा को नहीं पहचानेगा, तो बदतरीन सजा मिलेगी, भयानक आग होगी और अजाब होगा, और ये प्रलय के दिन हिसाब होना ही है।